Hi guys, Rohan Virdhi here. Welcome to my channel. तो आज वो दिन आ गया है जब आपका भाई टेस्ला की टेस्ट ड्राइव कर रहा है और टेस्ला मॉडल एक्स की टेस्ट ड्राइव कर रहा है और इसको अभी डाला है मैंने कीप योर हैंड्स ऑन द योक, इसको योक बोलते हैं, ये जो छड़ी है इसको छोड़ दिया, अभी खुद गाड़ी चल रही है। ये है टेस्ला मॉडल एक्स, मॉडल वाई की मैंने अभी टेस्ट ड्राइव ली थी, बट ओ लुक एट दिस, इट्स ड्राइविंग बाय इटसेल्फ। मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ अभी, और मस्ट टेल यू, मॉडल वाई का जो सॉफ्टवेयर था ना वो बेटा में था, इसका भी बेटा में ही है, बट दिस कार इज रिस्पॉन्डिंग मच बेटर इन बेटा वर्जन, और खुद ब खुद चल रही है। बट ऐसा होता है कि आपको कभी कभी स्टेयरिंग पे हाथ रखना पड़ता है और इसको गाइड करना पड़ता है, बट अभी मैं ब्रेक नहीं दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सामने मेरे एक बड़ा सा ट्रक है, खुद ही ब्रेक लग रहे हैं और मैं वापस जा रहा हूँ शोरूम की तरफ। वो शोरूम नहीं है एग्जैक्टली, बट यहाँ पर अमेरिका में क्या है कि बहुत सारी जगह पर ऐसा वो लोग टेस्ट ड्राइव के लिए उन लोगों ने शॉप्स, स्टोर या शोरूम आप बोल सकते हो, बनाए हुए। बट अगर आपको ऑर्डर करनी है गाड़ी तो आपको ऑनलाइन जाकर ही आपको ऑर्डर करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर आप जाकर गाड़ी पिकअप कर सकते हो, जैसे कि अभी अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मैं ऑनलाइन जाऊंगा, गाड़ी बुक करूंगा और न्यूयॉर्क से मैं, अभी इसने बोला है कि भाई गाड़ी स्टेयरिंग पे हाथ रखो, अभी स्टेयरिंग इसका क्या स्पोर्ट मोड है यार, इसके चिल मोड है, स्पोर्ट मोड है और इनसेन मोड है, मतलब गाड़ी क्या भागती है यार, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि इट्स अ रियली नाइस एक्सपीरियंस ड्राइविंग दिस कार। बट क्या है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, $98,000 इन शोरूम प्राइस है। अगर शोरूम के बाहर आते आते पूरे सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते करते, जैसे कि अपग्रेड करते करते आपको ये गाड़ी, अभी मेरे एक फ्रेंड ने लिए $130,000 और फुली अपडेटेड, जिसमें आपको सेल्फ ड्राइविंग, पूरी सेल्फ ड्राइविंग मिल जाएगी और सुपर फास्ट जो चार्जिंग बोलते हैं वो आपको मिल जाएंगे, और ये अगर आप लेते हो ना तो 3 साल का आपको चार्जिंग है वो फ्री मिलता है। तो देखो भाई, मुझे ऐसा बैठ कर बात करने की बहुत कम आदत है, बट मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। जिन जिन लोगों को टेस्ला गाड़ी के बारे में नहीं पता है और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ कि टेस्ला जो गाड़ियाँ आती हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, मतलब जितनी भी गाड़ियाँ बनी हैं टेस्ला के द्वारा वो सारी इलेक्ट्रिक हैं, मतलब पेट्रोल या डीजल डालना नहीं पड़ता, वो सारी इलेक्ट्रिक से ही रिचार्ज होती हैं, बैटरी आती बड़ी सी वो रिचार्ज होती हैं, बिना इंजन के चलती है, पूरा बैटरी ऑपरेटेड है। और टेस्ला की 4 गाड़ियाँ बहुत फेमस है, मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल वाई एंड मॉडल एक्स। जिसमें बहुत ज़्यादा फेमस हो रही अभी गाड़ी है वो है मॉडल वाई, जो कि एक रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है, उसको आप एक सेमी एसयूवी बोल सकते हो, बट जब उसको आप सामने से देखोगे ना, अगर मतलब आगे से जा रही है या कहीं आप देख रहे हो गाड़ी, तो आपको लगेगा नहीं कि ये एसयूवी है। हाँ, अगर आप मॉडल एक्स को देखेंगे ना, बैठकर भी देखेंगे और बाहर से भी देखेंगे ना, सो इट्स लाइक अ बहुत बड़ी गाड़ी है। और रख रहा हूँ अभी, ये पता नहीं है कि शायद 5 मिनट में बोलते हैं कि यू कीप योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील्स, जिसको बोलेंगे योक। और ये वाली जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये 7 सीटर है और बहुत अच्छी स्पेशियस गाड़ी है यार, इसका फील मुझे बहुत पसंद आ रहा है। वाइट कलर की गाड़ी हो, वाइट ब्लैक इंटीरियर हो, क्या फील आ जाए, यहाँ तो फिर वाइट इंटीरियर भी हो। वाइट इंटीरियर यहाँ पर ज़्यादा चलता है क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ ज़्यादा गंदी नहीं होती, इसीलिए अगर धूल वाली जगह हो जहाँ पर ज़्यादा कचरा वचरा हो तो ब्लैक इंटीरियर ही प्रेफर करूँगा। बट देखो, खुद भी कुछ चल रही है गाड़ी यार, आप बैठो आराम से। मॉडल 3 है जो सबसे बेसिक है, बट अगर आप उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड कराना चाहो ना तो वो भी मॉडल बहुत शानदार है। उसमें फुली ऑटोमेटिक है और फुली ऑटो ड्राइव भी है उसमें, बट वो फीचर्स ऐड कराने पड़ते हैं, कुछ आई थिंक $12,000 या $15,000 लगते हैं। जो स्टैंडर्ड मोड है टेस्ला गाड़ियों का वो है कि मतलब लेन असिस्ट होता है उसमें, लेन असिस्ट होता है कि गाड़ी लेन से बाहर ना जाए, और ब्रेक और एक्सेलरेट
खुद ब खुद करती है। आप उसको गाड़ी को, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपने वो उसका क्रूज कंट्रोल पे डाल के छोड़ दिया, ऑटोमेटिक ऑटो ड्राइव पे छोड़ दिया, तो गाड़ी खुद ब खुद चलेगी और लेन पे चलेगी। ये स्टैंडर्ड उसका फीचर आता है। अभी मैंने हाईवे में पूरी गाड़ी चलाई है, तो अभी मैं हाईवे ही जाऊंगा। अभी तो क्या, अभी हाईवे से अंदर जाते ना, जैसे सेल्फ ड्राइविंग के लिए मैं बटन दबा रहा हूँ, बट वो अंदर नहीं जा रहा है, बोल रहा है कि अंदर वाले लेन में आपको सेल्फ ड्राइविंग पूरी नहीं मिलेगी। और जो एनहांस और भी एडवांस है फीचर्स है, वो आई थिंक वो जैसा आप लोग को बोला मैं, $12,000 या $15,000 लगते हैं, डिपेंड करता है कि कब आप खरीद रहे हो और क्या वैल्यू चल रही है उसमें। वो ऑटो ड्राइव होती है, वो स्टॉप सिग्नल्स पे गाड़ी खुद ब खुद रुक जाती है। आप एक बार अपनी डेस्टिनेशन डाल दो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, तो आपको वो बिना प्रॉब्लम्स के गाड़ी लेके जाएगी। बट यू हैव टू बी रियली अलर्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहा था तो मैं कुछ ज़्यादा ही अलर्ट था कि, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि गाड़ी बहुत फास्ट है। और किसी मशीन पे आप भरोसा करो तो उस पे आपको थोड़ा डर तो लगता ही है ना। तो अभी मैं मैप को करता हूँ कैंसिल, हाईवे पे ही गाड़ी चलाते हैं। कैसा करने का, कैंसिल लेफ्ट एंड ट्रिप, ठीक है। इसको वापस मैंने सेफ ड्राइव पे डाल दिया। क्यों भाई, नहीं मेरे को सीधा जाना है। और जो एनहांस मोड है उसमें आपको ऑटो पार्क का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप अगर किसी पार्किंग लॉट के अंदर जाते हो, वो आप पार्क ऑटो पार्क का ऑप्शन दबाते हो, तो गाड़ी खुद ब खुद पार्किंग की जगह ढूंढेगी और गाड़ी पार्क हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप शॉपिंग मॉल में गए और अगर आप कुछ अपने फ़ोन पे काम करना चाहते हैं, अगर आप काम करने लग गए तो गाड़ी खुद ब खुद पार्किंग की जगह ढूंढ लेगी और खुद ब खुद गाड़ी पार्क हो जाएगी। तो अभी आपको थोड़ा सा मैं ना इसके स्टीयरिंग के ऊपर जो बटन है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक ऐसा सर्कल सा है जिस पे आपको लाइट ऑप्शन कंट्रोल करने को मिल जाएगा, और सिग्नल्स के ऑप्शन यहाँ पर है, वॉल्यूम अप डाउन, वॉल्यूम अप डाउन का जो ऑप्शन है यहाँ पर है। राइट साइड पर आपको इट्स अ प्रेस हॉर्न, और इसका वाइपर है। टेस्ला गाड़ियों में 8 कैमराज हैं और उसमें 12 सेंसर्स हैं। 12 सेंसर्स है, आपको 360 व्यू गाड़ी का देते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हो ना, तभी भी आपको गाड़ी का 360 व्यू गाड़ी का मिल जाता है। और जैसे आपने गाड़ी पार्क कर दी और फिर भी रिकॉर्डिंग चालू होती है, अगर कोई आपकी गाड़ी से, गाड़ी के नज़दीक से गुजरने वाला है या गुजर रहा है, तो वो गाड़ी रिकॉर्ड कर लेगी। अगर किसी ने गाड़ी पे स्क्रैच मारा या गाड़ी ठोक दी, तो भी आपकी गाड़ी वो रिकॉर्ड कर लेगी और आपकी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करने में आसानी हो जाएगी। और मुझे लग रहा था कि यार अगर ये ऐसा जो स्टेयरिंग बना हुआ है इसका, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, लेकिन मज़ा आ रहा है। एक सच बताऊँ तो एक ऐसा लग रहा है कि गेमिंग एक्सपीरियंस है। और एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण एडिशन है टेस्ला ने अभी ऐड किया है, वो है फिल्ट्रेशन सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर एलर्जीज बहुत होती हैं, पॉलन एलर्जीज होती हैं और भी बहुत सारी एलर्जीज होती होंगी, तो गाड़ी जब चलती है तो जैसे पॉलन उड़ती है तो वो फिल्टर होके गाड़ी के अंदर तक आएगी। अगर आप गाड़ी के अंदर है तो यू आर सेफ। तो अभी यहाँ पहुँच गया हूँ, ये फील है गाड़ी का, लेकिन बहुत बढ़िया गाड़ी है, इट्स नाइस। इसको दबाया, ये खुद ब खुद दरवाज़ा आपका खुल गया, और ये रही गाड़ी की चाबी, इसके बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसको दबाया और वापस दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। एंड तो अभी बात ऐसी है कि गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक होगी तो चार्ज भी तो करनी पड़ेगी ना, और पूरे अमेरिका में आपको बहुत सारे टेस्ला के सुपर चार्जर्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास ऐप इंस्टॉल्ड है आपके फ़ोन में, तो अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टेस्ला के सुपर चार्जर्स कहाँ हैं। अगर आपको सुपर चार्जर फ्री मिल जाता है, तो अगर आप चार्ज करने लग जाते हो अपनी गाड़ी, तो लोग प्रीफर करते हैं 80% तक पूरी गाड़ी को चार्ज करना, क्योंकि बैटरी का कुछ इशू हो जाता है, बोलते हैं बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। और इन सुपर चार्जर्स में अगर आप गाड़ी चार्ज करते हो, तो 15 मिनट में ये जो बैटरी है ना जो गाड़ी की, वो 80% तक चार्ज हो जाती है, जो कि बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं। और अगर 100% करनी है तो अराउंड 30-35 मिनट्स लगते हैं सुपर चार्जर्स में। ये गाड़ी का दरवाज़ा ऐसा खुलता है, ओह क्या बात है यार, है फील है गाड़ी में, यार गाड़ी में फील तो है। और ये रही पीछे की सीटिंग, और यहाँ पर भी इन्होंने एक डिस्प्ले दिया हुआ है
नाइस। और इसका एयर कंडीशनिंग का ना जो फील है बहुत बढ़िया है। अगर आपको हवा नीचे चाहिए तो नीचे, ऊपर चाहिए तो ऊपर। और अगर आप लोग घर पे टेस्ला का स्टेशन लगाते हो, लेकिन चार्जर स्टेशन लगाते हो, तो उसका आई थिंक खर्चा आता है $1400। अब डिपेंड करता है कि आपके घर पे कौन सी इलेक्ट्रिक वायरिंग चल रही है। यू नो, अगर बहुत ही एडवांस है तो कम पैसे लगेंगे, अगर पुरानी वायरिंग है, पुराना घर है, तो उसमें ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। और वहाँ पर भी 8 से 12 घंटे ओवरनाइट गाड़ी रखोगे तो गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है। और डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कौन सी है और बैटरी कितनी चली हुई है और कितना वो माइलेज देने वाली है। अगर बैटरी नहीं है तो टेस्ला दावा करता है कि 330 माइल तो देगी देगी एवरेज। बट वो भी डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कितनी स्पीड में चला रहे हो। अगर आप गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चला रहे हो तो एग्जैक्टली आपको माइलेज मिल जाएगी। अगर गाड़ी आप लोग बहुत फास्ट चला रहे हो, फास्ट का मतलब 85 माइल्स पर आवर ये जो स्पीड है, इसमें इसके लगभग अगर आप लोग गाड़ी चलाते हो तो आपको जो टेस्ला दावा करता है कि जितनी माइलेज है उतनी मिल जाएगी। अगर उससे भी ज़्यादा फास्ट चला रहे हो तो आपकी माइलेज कम हो जाएगी। यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, म्यूज़िक है यहाँ पर, मूवी यूट्यूब नेटफ्लिक्स सब देख सकते हो। बट मुझे पता नहीं है कि आपको इंटरनेट का जो ऑप्शन है वो लेना पड़ता है कि कैसा है। और ये जो टेस्ला की बैटरी है, इनकी जो बैटरी है ये लास्ट करती है अराउंड 300,000 to 500,000। गाड़ी का फील तो बहुत कड़क है यार, व्हील्स भी अच्छे हैं इसके यार। इसमें कुछ आपको ज़्यादा काम कराने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी का ट्रंक, सामने जो है इसको बोलते हैं फ्रंक, ये मैं ऐसे टेस्ट ड्राइव लेने आया था मॉडल वाई की, बट ये मॉडल एक्स पे दिला गया है। और ये सारी गाड़ियाँ हैं ना, इनके प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप अगर वेबसाइट पे जाओगे तो आपके प्राइसेस मिल जाएंगे। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं टेस्ट ड्राइव के लिए गया था, मैं सोच रहा था टेस्ला गाड़ी लेने का, बट अभी मुझे पता नहीं है कि लूँगा कि नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा रहती है, कभी इस सिटी जाना है कभी दूसरी सिटी जाना है। तो अगर मुझे 300 माइल टोटल चलाने हैं तो मतलब मुझे 1.5 घंटा अगर सुपर चार्जर नहीं मिला तो मेरा तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो भी सोच रहा हूँ कि टेस्ला को साइड हटाऊँ और कोई दूसरी गाड़ी लूँ। तो ऐसे इन लोगों के यहाँ पर जो टेस्ट ड्राइव के शोरूम बने हुए हैं, ये और एक मॉडल एक्स खड़ी है यहाँ पर, और ये मॉडल वाई है, और ये कौन सा मॉडल है भाई टेस्ला का, एडमायर मी फ्रॉम अ डिस्टेंस प्लीज। यहाँ एक टेस्ला और यहाँ पर एक टेस्ला खड़ी है। मॉडल वाई में भी आपको 7 सीटर मिल जाएगी, ये मॉडल वाई 7 सीटर है। अगर कुछ भी रह गया, ऊपर नीचे हो गया, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ टेस्ला एक्सपर्ट। आपको बहुत सारी वीडियोस टेस्ला के बारे में मिल जाएंगे, मैंने कुछ ना कुछ रिसर्च किया था और मैंने आपको बता दिया। एंड वीडियो को इधर तक रखता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, मैं लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाता हूँ और अपनी लाइफ के बारे में व्लॉग बनाता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, जगह जगह घूमता हूँ, वहाँ के व्लॉग्स बनाता हूँ, मेरी दोस्तों के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में। नए हो मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइब करके ना, साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कॉमेंट तो बनता ही है। एंड दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल एंड प्लीज बी सेफ, बाय बाय।